नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लॉकडाउन है पूरा भारत, ऐसे में उन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो लोग घर से बाहर रहते हैं, चाहे वह मजदूर हो चाहे वह छात्र हो। ऐसे में अब कांग्रेस के MLC हैं प्रेमचंद मिश्रा, उन्होंने CM नीतीश कुमार से अपील की है कि ऐसे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए जो लोग घर से दूर एक लॉज में रहते हैं जिन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा है पहले आप सुनिए। लॉकडाउन की वजह से पटना के विभिन्न मोहल्लों में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र जिनका घर नहीं है, जो हॉस्टल में नहीं रहते, वो निजी लॉज में रहते हैं और स्थिति उनकी इतनी विकट हो गई कि अब लॉज के मालिक उन्हें खाली करने को बोल रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है, न लॉज का किराया देने को पैसे हैं, न खाने को पैसे हैं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आप ऐसे छात्रों के लिए तत्काल कुछ सोचें। वैसे लॉज मालिकों को 2 महीना 3 महीने का किराया सरकार भुगतान कर दे, और ऐसे छात्रों का जिनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं और घर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उनके भोजन की भी व्यवस्था कम से कम 2 महीने के लिए सरकार अपने स्तर से कर दे। और इस तरह के लॉज पटना के विभिन्न मोहल्लों में मिल जाएगा जहां कम आय वर्ग के छात्र 2-3-4 छात्र मिलकर एक कमरा लेकर रहते हैं और उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूं News 18 को, उसने इस खबर को उठाया है और हम सबका ध्यान आकृष्ट किया है। अतः मैं एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप बाकी जो भी काम कर रहे हो कोरोना उन्मूलन और उसके राहत को लेकर, पटना में हजारों की संख्या में अभाव में और कष्ट में रह रहे निम्न आय वर्ग के ऐसे छात्रों की तरफ भी आप अपना ध्यान दें और उनके लिए भी कोई उपाय तत्काल करें। तो आपने सुना, प्रेमचंद मिश्रा है कांग्रेस के नेता हैं, MLC हैं, उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी घर से बाहर रहकर किसी लॉज में रहते हैं, जो लॉज में रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके सामने कई बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई है। उनके जो लॉज मालिक हैं उन्हें वह निकालना चाहते हैं, ऐसे में सरकार को उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। बहरहाल क्या कुछ होता है तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराएंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।